बहुत बारिश का टाइम था, मॉनसून थे, मेरे को आज भी याद है, और मेरे फिटनेस सेंटर में पूरा पानी भर गया था। वो जो मोमेंट थी जब मैं सीढ़ियां उतर के नीचे बेसमेंट में गया और देखा कि जो मेरी ट्रेडमिल्स हैं, जो मेरी मशीन्स हैं, वेट्स हैं, वो सब पानी में डूबे थे। 400 घंटे का कंटेंट बनाने के बाद, 15x पे पहुंचने के बाद मेरी भूख फिर भी खत्म नहीं हुई। अब आप समझ सकते हो मैं कितना भूखा हूँ। मैं जाके प्रिंसिपल से मिलता था कि कुछ पेमेंट का अगर हो सके। प्रिंसिपल्स कहते थे कि हम तो एक्स्ट्रा चार्ज कर ही नहीं सकते बच्चों से, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तुम्हें आता क्या है, तुम तो कभी क्या 35 साल के हो। वो एक ऐसी स्टेट थी जब मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो गए। मैं कॉलेज में गया, वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट बनना था, डॉक्टर बनने गया था, क्योंकि माँ बाप डॉक्टर थे तो डॉक्टर ही बनना होता है। लेकिन कॉलेज में सीनियर्स ने कहा कि गलत प्रोफेशन में आ गए हो, इसमें कोई अर्निंग नहीं होगी, लोग कहेंगे पहलवान हो। मेरे जो मेंटर थे जिन्होंने मेरे को 3 साल इतना सिखाया, वो भी MBA करके बाहर चले गए। लेकिन जब मेरे सामने ऐसा स्टेट आता है कि रेजिलियंस होती है और लोग कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, तब मेरा सबसे ज्यादा मन करता है कि ये तो मैं करके दिखाऊंगा। उस मोमेंट मैंने सोच लिया था कि मैं अपना ये प्रोफेशन एस्टैब्लिश भी करूंगा और इससे पैसे भी कमाऊंगा। फिर जब क्लिनिक स्टार्ट किया तो माँ बाप ने कहा, बेटा पैसों की ज्यादा चिंता मत करना, लालच मत करना, सब ठीक है, काम अच्छा करना। तो ये लगा कि अरे ये सोचना चाहिए कि सेवा करो, पैसों का नहीं सोचो। बट आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे कि कैसे रही मेरी जर्नी x to 40x, 40x to 0x एंड देन वापस 100x। फिजियोथेरेपी जो मैंने स्टार्ट करी थी बैक इन 2008, जब मैंने अपना पहला क्लिनिक खोला, पहला पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उससे x अमाउंट चार्ज किया। और पूरी इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो x पर आवर है, कि एक घंटे के लिए मेरे एक घंटे के टाइम का क्या वैल्यू है, मैं कितना चार्ज कर सकता हूँ एक पेशेंट से। सो मान लीजिए कि वो एक्स से स्टार्ट हुआ। जब वो एक्स से स्टार्ट हुआ तो कुछ दिन तो ठीक रहा, कुछ महीने भी ठीक रहा, बट मुझे लगा कि अरे इतने से पैसे कमा के तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। आई हैव टू फाइंड अ वे टू इंक्रीज दिस एक्स टू 2x। और वो 2x करने के दो तरीके थे, या तो अपना स्किल इतना अच्छा कर लो कि अल्टीमेटली कोई पेशेंट आपके पास आए तो आप 2x चार्ज कर सको, या फिर आप अपने नीचे एक टीम सेट करनी शुरू कर दो जिससे कि आप अपने काम को एक्सपैंड कर। तो मैंने अपना जो पहला क्लिनिक था उसमें टीम सेट करनी शुरू करी और मैंने नॉर्थ दिल्ली में जाके एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ दूसरा क्लिनिक खोला। एकदम से जैसे ही वो क्लिनिक खुला, x से 2x, क्योंकि मैं यहां भी काम कर रहा था और वहां भी काम चल रहा था, ऐसा नहीं था कि क्लिनिक रुक गए। जब ये 2x हुआ तो मुझे लगा कि अरे पैसा कमाना तो बहुत फन काम है। अब x से 2x तो पहुंच गया वो नया क्लिनिक खुलने से, बट मुझे लगा ये तो बहुत ही फन है। आप अपने स्किल से और अपनी टीम से अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। वो बहुत अर्ली डेज थी, 2007-8-9 में कोई बात नहीं करता था एंटरप्रेन्योरशिप की, कोई ये बात नहीं करता था कि कैसे आप फंडिंग ले सकते हो, VC क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। बहुत ही एक यूनिक प्रिमिटिव टाइम में मैंने काम करना शुरू किया था। जब वो 2x पहुंच गया तो आपको कहानी याद होगी, लिंक यहां डाल रहा हूं, कि कैसे मैं एक साउथ दिल्ली में एक पेशेंट के पास गया और वहां पर मैंने हिम्मत करके उनसे x से 8x मांगा। वो 8x मांगने वाली जो मोमेंट थी वो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। पीछे झरना चल रहा था, आगे चाय पड़ी थी, पेशेंट को मैंने देख लिया था और 8x मैंने मांग लिया और पेशेंट ने वो दे दिया। यहाँ पर जो मैंने अगली चीज सीखी कि अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है तो वहां पर आप और अच्छी तरह से पैसे मांग सकते हो। और पैसे आप ग्रीड में नहीं मांग रहे हो, पैसे आप इसलिए मांग रहे हो कि आप अपने स्किल की, अपने मेथड की, अपनी वैल्यू करते हो और अपने टाइम की बहुत वैल्यू करते हो। उस मोमेंट में मैंने तीसरा क्लिनिक खोला जिससे मैं x से 2x से 3x पहुंच गया। कहानी अभी लंबी है क्योंकि मैं 40x तक भी पहुंचना है, बट धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जब मैं 3x कमा रहा था तो वो एक बहुत अच्छी स्टेट थी। जो पेशेंट्स थे मेरे वो मेरे को रिस्पेक्ट करते थे, मैं उनको अप्रिशिएट करता था और एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिलेशनशिप था। अभी जो 3x तक की जर्नी थी बड़ी स्मूथ राइड नहीं थी, इसमें मुश्किलें आई थी बट उन मुश्किलों को सॉल्व करना इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं था मेरे लिए। बट 3x पे भी मेरी जो नीड थी और जो हंगर थी वो रुकी नहीं। जब मैंने देखा जिस एरिया में मैं काम करता जहाँ मेरा पहला क्लिनिक था कि वहाँ पर कोई अच्छा फिटनेस सेंटर नहीं है। मैं साउथ दिल्ली में क्लिनिक पे जाता हूँ तो वहाँ लोग आते हैं जो AC फिटनेस सेंटर, मोटराइज ट्रेडमिल्स, एंड बात करूँ 2010-11 की। तो जब ऐसा मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस एरिया में एक ऐसा फिटनेस सेंटर खोल लूँ तो फिर कैसा होगा। ये सोच के कि ये अपॉर्चुनिटी है, मार्केट है और एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, मैंने खोला इंच फिटनेस सेंटर। मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि मेरे पास शायद 50 या 60 मेंबर आएंगे, इससे ज्यादा जगह मुझे नहीं चाहिए होगी, तो मैंने उस हिसाब से एरिया लिया था। पहले महीने में 130 मेंबर रजिस्टर किए थे हमने और सैलरी पहुंच गई 5x पे। इट वाज शॉकिंग, सरप्राइजिंग एंड बहुत ही रिवॉर्डिंग फील हो रहा था कि उत्कर्ष यहाँ तो लोगों को बिठाना है, ट्रेनर्स रखे हैं आपने, आपको खुद किसी को कुछ नहीं कराना एंड लाइफ कितनी आसान है। जब मैंने वो जिम खोला था तो उसमें बहुत मुश्किलें भी आई थी, ऐसी मोमेंट भी आई थी जब मुझे खुद जाके लोगों को ट्रेन करना पड़ता था। मेरे को भी देख के शायद आपको ना लग रहा हो बट 10 साल पहले ऐसा सिचुएशन थी। बट सैलरी पहुंच गई थी 5x, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं। फिर मैंने स्टार्ट करी एक मोबाइल फिजियोथेरेपी वैन।
मैंने लोन लेके, जो बहुत ही एक मुश्किल डिसीजन था क्योंकि माँ बाप कह रहे थे उसका इतना एक्सपैंड कर लिया है क्यों और कर रहा है, वाई कैंट यू स्लो डाउन, वाई कैंट यू नॉट बी ग्रीडी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी ग्रीड है जो मुझे पुश कर रही है। बट मेरी जो नीड थी वो थी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना, मेरी जो नीड थी टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली वो तब भी उतनी ट्रू थी जितनी आज है। जब मैंने वो मोबाइल फिजियोथेरेपी वैन खोली तो उसके ऊपर मैंने बड़ा बड़ा लिखवाया, मुझे आज भी याद है, वर्टेक्स फिजियोथेरेपी सेंटर। एंड मोबाइल सर्विस हम पूरी दिल्ली में प्रोवाइड करते थे। एक बहुत ही ऐसा टाइम था जो मेरे को बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज है जो मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि फिजियोथेरेपी एज अ प्रोफेशन को मैं यहाँ तक ग्रो कर पाया। अभी जो मोबाइल फिजियोथेरेपी वैन, फिटनेस सेंटर, 3 क्लिनिक्स की आप कहानी सुन रहे हो और आपको लग रहा होगा अरे उत्कर्ष तो बहुत लकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे याद है कि जब फिटनेस सेंटर थोड़ा चलने लगा था तो एरिया में और लोगों ने देखा कि अरे यहाँ तो फिटनेस सेंटर की बहुत डिमांड है, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़े बड़े सेंटर्स खोल लिए। तो मुझे उस कंपटीशन को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को भी ऊंचा करना पड़ा, जिसमें बहुत मुश्किल हुई। और फिर ऐसी एक स्टेट आई, बहुत बारिश का टाइम था, मानसून थे मेरे को आज भी याद है, और मेरे फिटनेस सेंटर में पूरा पानी भर गया था। वो जो मोमेंट थी जब मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे बेसमेंट में गया और देखा कि जो मेरी ट्रेडमिल्स हैं, जो मेरी मशीन्स हैं, वेट्स हैं, वो सब पानी में डूबे थे, बहुत डिसहार्टनिंग थी। बट उससे भी रिकवर करना पड़ा। बट ये सिर्फ एक फेलियर नहीं था, फेलियर्स बहुत सारे रहे हैं। जो अगला फेलियर था वो मेरी जिंदगी में जो एक स्टेटमेंट है वहां से कहीं डिराइव होता है। तो चलिए आगे चलते हैं उस कहानी की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे लोकेशन कैसे चेंज होगी। वेल, एक जगह पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया था तो मैं बात कर रहा हूँ अपने अगले वेंचर की। ऑनलाइन का टाइम था, वो बहुत अर्ली डेज थे ऑनलाइन में, बट मैंने एक, मेरे कजन थे जो US में रहते थे, उन्होंने मेरे को एक वेबसाइट दिखाया विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट। तो मैंने ये सोचा कि इंडिया को भी ऐसे एक वेबसाइट की ज़रूरत है। अब ये वो दिन है जब इंटरनेट सबके पास नहीं था, इंटरनेट ऐसी चीज़ नहीं थी जैसे आप मोबाइल पे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने लैपटॉप पे। इंटरनेट घर घर में नहीं था, गांव गांव में नहीं था, इंटरनेट सिर्फ प्रिविलेज फ्यू के पास था। तब मैंने एक वेबसाइट शुरू किया कॉल्ड झंड जिंदगी डॉट कॉम। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था क्योंकि मैं जितने भी दोस्तों से डिस्कस करता था, उनको दिखाता था, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिल रहा था, लेकिन उसको बढ़ाना, उसको स्प्रेड करना आसान काम नहीं था। अब झंडजिंदगी.com में सो मेरी ये जो कंटेंट जर्नी है आप समझ लीजिए 2009-10 में स्टार्ट हुई थी। मैंने ऐसा कंटेंट बनाना शुरू किया जहाँ सारे जो वो ट्विटर बेस्ड था कि 160 शब्दों के अंदर आपको एक कहानी लिखनी है जिसके एंड में आप लिखेंगे #झंडजिंदगी। ये वो टाइम था जब #टैग्स पॉपुलर नहीं थे, उस पर मैंने खुद कंटेंट लिखना शुरू किया। अपने दोस्तों को फ़ोन करता था और कहता कि तुम झंडजिंदगी.com देखो, बहुत कूल वेबसाइट है। उसको पॉपुलराइज करने के लिए मेरे पास व्हाट्सएप नहीं था, मेरे पास फेसबुक नहीं था, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया नहीं था जिससे मैं झंड जिंदगी को पॉपुलराइज कर सकूं। बट मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसकी, आई थिंक उस टाइम 10-15 हज़ार रुपये लगे थे मेरे को वेबसाइट के लिए, डोमेन के लिए, सर्वर के लिए। जब झंडजिंदगी.com चल नहीं रहा था और उससे कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहे थे तो मुझे लगा उत्कर्ष 15 हज़ार और डुबो दिए तूने। एक साल तक मैंने वेबसाइट को चलाया, मैंने उसके स्टिकर्स बनवाए कि मैंने सोचा मैं ऑटोज पे जाके, रिक्शों पे जाके वो स्टिकर लगा दूंगा कि कोई तो जाके झंडजिंदगी.com देख ले। मैं रोज सुबह उठ के चेक करता था कि आई थिंक एक एलेक्सा नाम से एक वेबसाइट हुआ करता था जिसपे वेबसाइट्स की रैंकिंग दिखती थी, बट मेरा वेबसाइट उस पर आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई एडवर्टाइजर्स नहीं आ रहे थे। मेरी अल्टीमेटली फैमिली और दोस्त, वही लोग थोड़ा बहुत कंटेंट डाल रहे थे और बाकी सारा कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा था। एक एक दिन के मैं 10 से 12 कंटेंट पीसेस क्रिएट करता था, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री से इंस्पायर्ड हो बट उनको इंटरनेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करना मेरा ही काम था। झंड जिंदगी का एंड हो गया जब नेक्स्ट ईयर उसको रिन्यू कराना था, जब फिर से 15 हज़ार रुपये देने थे, तो मैंने उस चीज़ से मना कर दिया। आई रिफ्रेन फ्रॉम इट क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ पर मेरी जो इंटरनेट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी थी वो शुरू होके ख़त्म हो गई। अब आपने बहुत बार सुनी है मेरी कॉर्पोरेट जॉब से शिफ्ट की कहानी, राइट? जब मैं 5X पे पहुंचा था तो मुझे ये पता था कि इस 5X को मैं 4X या 3X नहीं आने दे सकता, क्योंकि 5X से मेरी लाइफ सस्टेन हो रही थी, 5X से जो सारे खर्चे थे वो सही चल रहे थे और लाइफ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा था। तो जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में गया, जब मेरी इंटरव्यू हुई, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि 5X हैज़ टू बी मेंटेन। लेकिन जब वो कॉर्पोरेट जॉब करी तो मैंने फिर क्यों करी, अगर ना मेरे को सैलरी रेज मिल रहा था, ना मेरे को कोई इम्पैक्ट मिल रहा था, तो क्या रीज़न था मेरे पास? पर कई बार सिर्फ पैसा एक मोटिवेशन नहीं होती, कई बार जो आपकी मोटिवेशन होती है वो ये भी होती है कि कैसे आप ज़्यादा लाइव्स टच कर सकते हो, कैसे आप कुछ ऐसा डिफरेंट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको प्यार हो। यू नो, हम बहुत बार ये सुनते हैं कि लव व्हाट यू डू एंड ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। ये इतना आसान नहीं है पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप अटेम्प्ट करते हो, अगर आप कोशिश करते हो, तो यू कैन फाइंड व्हाट यू लव एंड यू कैन फाइंड अ वे टू अर्न फ्रॉम दैट। इस कहानी में जब हम 5X पे पहुंच गए तो शुरू का जो 6 महीने साल थे कॉर्पोरेट जॉब में वो 5X पे ही मेंटेन थे, बट उसको 5X से 7.5X और 12X कैसे किया आगे बात करता हूँ। अरे आप आ गए, ये मेरा अगला हथियार।
जब 5x पे लाइफ पहुंच गई थी, x से 5x पहुंच गए हैं, और जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब शुरू करी तो मैंने देखा कि उस 5x को आगे भी तो बढ़ाना है। ऐसा थोड़ी कि 5x पहुंच के अब बस फिर वो चादर कैसे बड़ी करेंगे, पिछली वीडियो में बात करी थी। जब मैं उस जॉब में पहुंचा तो मैंने देखा कि अब दो तरीके हैं, या तो मैं अपना स्किल बढ़ा सकता हूं या मैं अपने नीचे लोग हायर कर सकता हूं। अब एज एन एम्प्लॉई जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप जाके किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि मुझे 5 लोग हायर करने जिससे मेरी सैलरी बढ़ जाए। तो अल्टीमेटली आप स्किल नया सीख सकते हैं। उस स्किल में जब मैंने देखा कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसी ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत डिमांड में वहाँ वो स्किल है, उसमें से एक चीज़ थी फिल्मिंग। वो एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो डॉलर्स में पे कर रही थी अपनी फिल्मिंग कराने के लिए, अपनी एडिटिंग कराने के लिए। तो मुझे लगा कि ये एक छोटी सी चीज़ जो मेरे लिए हाथ में आ जाती है, अगर इससे मैं फिल्म करना सीख जाऊँ तो उससे मेरे स्किल पे और मेरी सैलरी पे क्या फ़र्क आएगा। तो मैंने खुद ही YouTube और लिंडा और पता नहीं कहाँ कहाँ से सीखना शुरू किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रन किए और मैं समझा कि कैसे कैमरा वर्क करता है। जब विद इन अ ईयर मैं इस स्टेट पे आ गया कि वहाँ के जो बोर्ड था, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने अप्रूव किया कि जो उत्कर्ष फिल्म कर रहा है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है जितने वहाँ के BBC प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, तो मेरी मोमेंट आ गई थी कि अब उत्कर्ष यू कैन गो एंड आस्क कि 5x से 7.5x कैसे होगा। मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने फिल्मिंग सीखी, मैंने एक टीम बिल्ड करनी शुरू करी, जिससे ओवर द 3-4 ईयर्स जब वहाँ पे ये काम कर रहा था, इस ब्यूटीफुल कैमरा के साथ काम कर रहा था, शूटिंग कर रहा था, आई ट्रैवल द वर्ल्ड एंड मेरी सैलरी मूव फ्रॉम 5x टू 7.5x टू 10x एंड टू अल्टीमेटली 15x। ये जो स्टेट था, ये जो ग्रोथ जर्नी थी, वो मेरे लिए भी उतनी सरप्राइजिंग थी, और जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है यार वो कैसे पॉसिबल हुआ। आई थिंक उसको पॉसिबल करने का एक ही तरीका था कि मैंने ये समझा कि इस दुनिया को क्या चाहिए, मेरे पास क्या ऐसा स्किल है जो मैं गेन कर सकता हूँ, उस स्किल के लिए लोग मुझे पैसे देंगे या नहीं देंगे, और क्या मुझे स्किल से प्यार है। तो अल्टीमेटली जब ये चारों चीज़ें मिल गई तो जर्नी थी जो 5x से 15x की वो पॉसिबल हुई। बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 5x के 15x से हमें 40x पे भी जाना है और होपफुली 100x पे भी। 400 घंटे का कॉन्टेंट बनाने के बाद, 15x पे पहुँचने के बाद मेरी भूख फिर भी ख़त्म नहीं हुई। अब आप समझ सकते हो मैं कितना भूखा हूँ। ये भूख जो है ये इसके लिए नहीं है कि मैं कितना कमा सकता हूँ और उसका क्या करूँगा, नॉट एट ऑल। ये हमेशा उसी जो आपका सेंटर पॉइंट जिसमें मैं आपको बार बार ला रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने टाइम की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो। आप एक घंटे में एक्स से अगर 15x पहुँच सकते हो तो 15x से 40x कैसे पहुँच सकते हो। अब 400 घंटे का कॉन्टेंट बनाने के बाद मुझे लगा यार वीडियो इनफ कर ली, टीम बिल्ड कर ली, अब ये ऐसा काम नहीं है जहाँ पर मेरी ज़रूरत है। मैंने अपने आप को एज अ वीडियोग्राफर, एज एन एडिटर रिडंडेंट कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था मेरी टीम उसको टेक ऑन कर ले। बट तभी एक नेटवर्किंग इवेंट के थ्रू और अपने कॉलीग से मिले, जो मेरे US से कॉलीग्स आए हुए थे, मैंने ये देखा कि अगर हम सेल्स करते हैं, अगर एक कंपनी की सेल्स $100,000 की है, तो उसमें से जो सेल पर्सन है उसको भी एक इंसेंटिव मिलता है। और मुझे लगा कि यार ये तो अमेजिंग है, आप सेल्स में अगर हो, अगर आप अपनी सैलरी ले रहे हो और आप उससे ऊपर अपना काम अच्छे से करते हो और एक सेल कर पाते हो, तो यू गेट अ कट आउट ऑफ इट। एंड मेरे लिए वो मोमेंट थी, वो जो आहा मोमेंट होती है ना, जब आपके दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं, आप वो वाला विजुअल इमेजिन कर लो, मेरे लिए एग्जैक्टली वही मोमेंट थी, क्योंकि मुझे लगा ये मेरा मौका है 15x से 20-25x जाने का। अब वो 20 या 25x हुआ या नहीं, वेल, हम इससे भी आगे निकल गए। 15x से आई वॉज एबल टू रीच 40x। आई जस्ट मेड सम बिग डील्स, कुछ ऐसे क्लाइंट्स के साथ मैंने बात करी जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छा था, और जब मैं वो सेल कर पाया तो जो मेरा अल्टीमेट पर आवर सैलरी थी, दैट रीच 40x। दैट इज अ मोमेंट जब मुझे समझ आ गया कि सेल्स, अपना स्किल और अपनी टीम बिल्ड करना, ये तीनों ऐसे स्किल्स हैं जो सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाले हैं। दिस इज ग्रोथ माइंडसेट इन एक्शन, जो अल्टीमेटली इस वीडियो का मैसेज है कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए और आपको लाइफ लॉन्ग अपनी अर्निंग को बढ़ाने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। 40x से 0x काफ़ी ग्लूमी पॉइंट था वो लाइफ का, क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी, ये कॉन्फिडेंस था कि लाइफ में 40x से 100x होगा, बट उस 100x को क्रिएट करने के लिए एक स्पेस क्रिएट करना पड़ा। उस स्पेस में मुझे ये समझना पड़ा कि एग्जैक्टली उत्कर्ष तू करेगा क्या, क्योंकि 40x आ रहा था लेकिन उसके लिए काम भी उतना ही करना पड़ रहा था, और लाइफ सस्टेन हो रही थी, पर्पजफुल थी, सब कुछ ठीक था। जो सब मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, एग्जैक्टली मैं वैसा ही फील कर रहा था उस मोमेंट। बट जब दिसंबर 2020 में मैंने नौकरी छोड़ी और जनवरी में वो सैलरी नहीं आई, तो 40x वाज 0x। ऑल आई वाज डूइंग वाज, अगर सच्ची बताऊं तो, मैं अपने बच्चों को पाल रहा था, मैं घर में इन्वॉल्व था पूरी तरह, कोविड था तो हम घर में अच्छा अच्छा खाना भी बना रहे थे, बट लाइफ वॉज लेफ्ट टू दैट। उस स्टेट में जब 0x पे इंसान होता है तो ऐसा लगता है कि एक होपलेसनेस क्रिएट हो जाती है।
जब वो होपलेसनेस क्रिएट होती है तो आप इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग, आप बिल्कुल उल्टी दिशा में जा सकते हैं। और वो मोमेंट था जहाँ पे आपकी वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो डिसिप्लिन थी, डिसिप्लिन कम्स अप कि मैं डिसिप्लिन रहूंगा, मैं लगा रहूंगा, चाहे मेरे को प्रोबोनो में जितने मर्जी प्रोजेक्ट करने पड़े। देयर वर मेनी मोमेंट्स मैंने स्कूल के बच्चों के साथ प्रोबोनो पे किए, मैं जाके प्रिंसिपल से मिलता था कि कुछ पेमेंट का अगर हो सके। प्रिंसिपल्स कहते थे कि हम तो एक्स्ट्रा चार्ज कर ही नहीं सकते बच्चों से क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। एंड ये सारी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता था और मैं कहता कि मेरे को कोच करने के, कहते थे कश बाल सफेद है नहीं, हाउ डू कोच पीपल आर इन देयर 40s एंड 50s, तुम्हें आता क्या है, तुम तो कभी क्या 35 साल के हो। वो एक ऐसी स्टेट थी जब मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने दरवाजों को नॉक करना छोड़ दिया। आई केप्ट डूइंग ऑल द प्रोबोनो प्रोजेक्ट आई कुड डू, आई केप्ट मीटिंग पीपल एवरी डे। मैंने ये रूल बनाया था कि हर महीने मैं एक इवेंट करता था जो कम्प्लीटली फ्री था, बट पीपल कुड जॉइन इन, एंड मैं 90 मिनट तक उनको एंगेज करूंगा, उनको कॉन्टेंट दूंगा और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहाँ वो एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे और सीख सकेंगे। बट 2021 खत्म हुआ और 2022 शुरू हुआ। एक डूबते हुए सूरज के बाद अगले दिन सूरज फिर भी उगता है। जब 2022 आया तो वो एक्स वापस क्रिएट हुआ, 1x, 5x, 10x, 20x। मैं एक एग्जीक्यूटिव कोच बन गया था, मैं कोचिंग कर रहा था क्लाइंट्स के साथ, मैं तब तक एक साल में वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर चुका था जिससे कि लोग मेरे को पे करने को तैयार थे। तो जब मैं वो 50 से एक्स पहुंच गया, 2022 एक अमेजिंग जर्नी रही है। बट अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी मेरे जो आप टीम देखेंगे यहाँ पर, जो ही मेरा सेटअप है, जब मेरी YouTube जर्नी स्टार्ट हुई तो मेरे वीडियोग्राफर हैं जो सारा एक्शन करते हैं। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। एंड ऐसे जीवन में रोशनी आई। सो ऐसे जर्नी बनी जो 40x या 100x की जर्नी है वो इस सेटअप के थ्रू हो रही है, क्योंकि YouTube पे जो हम ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो मुझे सिर्फ एक YouTube पे ही नहीं हेल्प कर रहा, बट मैं अपनी पूरी लाइफ में जो सोच पाता हूँ, जो आप लोगों से बात कर पाता हूँ, उस सब से चीजें बदल रही हैं। सी अल्टीमेटली मैंने आपको बहुत गोल गोल घुमाया आज, राइट? गोल गोल फ्रॉम वन सेटअप टू द अदर, वन टीममेट टू द अदर, आप सबसे मिले। बट जब भी कोई चीज गोल घूम रही होती है तो उसके सेंटर में एक पॉइंट होता है। वो जो सेंटर पॉइंट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो अर्निंग का प्रोसेस है, कभी भी जो पैसे से इंडिया में समझाया जाता है ना कि पैसा अगर ज्यादा कमाना चाहते हो तुम ग्रीडी हो, दैट इज नॉट द केस। तुम अपने टाइम को कैसे वैल्यू करते हो, उस टाइम के बदले कितना पैसा कमाना चाहते हो, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। मुकेश अंबानी, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, बहुत अच्छा काम करना चाहते थे। जो अल्टीमेटली हमें सीखना है, हमें ये सीखना है कि कैसे हमारा टाइम हाईली वैल्यूबल बनेगा, क्या ऐसी चीजें जो मैं और आप कर सकते हैं जिससे हम उस एक घंटे के X से 100X तक की जर्नी और होपफुली उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम आया। अगर फायदेमंद था तो शेयर करिए इसको उनके साथ जिनके लिए फायदा होगा, जो समझ पाएंगे कि एक्चुअली पैसे से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए एंड हाउ डू यू डेवलप एन अर्निंग माइंडसेट। Ignite Neurons on a mission to touch billion lives positively. अगले वीडियो में इसी सेट के साथ मिलूंगा, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, और वेट कर रहा हूँ आपके लाइक्स की और कमेंट्स की।